शिमला जिला में जिमनास्टिंग कोच के रूप में सेवाएं देने के बाद सुनील शर्मा ने मंडी में डीएसओ मंडी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि निदेशालय और सरकार के निर्देशानुसार वे पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। शिमला जिला में जिमनास्टिक कोच के रूप में सेवाएं देने के बाद सुनील शर्मा ने डीएसओ मंडी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। डीएसओ मंडी सुनील शर्मा ने बताया कि 12 जुलाई को उन्होंने कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ में हुई और शुरू से ही उनको खेलों का शौक था। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सितंबर 1987 में उन्होंने शिमला जिला में जिम्नास्टिक कोच के रूप में कार्यभार संभाला और उन्होंने अधिकतर समय शिमला में बिताया। उन्होंने कहा कि डीएसओ मंडी के रूप में वे पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। यहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद को 12 तारीख को ज्वाइन किया है। अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट में नया हूँ, बाकी इससे पहले मैं शिमला में होता था। शिमला में इस विभाग में मैं सितंबर 1987 में एज ए जिम्नास्टिक कोच ज्वाइन किया था, तो ऑलमोस्ट मैं शिमला ही रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर मंडी में आया हूँ। बाकी रहा मेरा स्पोर्ट्स करियर, तो मैं शुरू से ही चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेजुएशन यहीं से मेरा स्पोर्ट्स करियर है। 7 टाइम मैं स्टेट चैम्पियन था वहाँ पे, पंजाब यूनिवर्सिटी चैम्पियन 3 टाइम्स, नेशनल मेडलिस्ट और टोटल जूनियर सीनियर मिला के मैंने 17 टाइम्स नेशनल्स खेली हैं और 3 टाइम्स ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज। और उसके बाद मेरी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी वो यूटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज ए कोच हुई थी। वहाँ पे मैंने लगभग 1.25 साल काम किया। वहाँ से रिज़ाइन करके मैं NIS की जॉब पे चला गया। वो पोस्टिंग थी मेरे को बेलगाम में, तो हार्डली मैंने वहाँ 1 मंथ जॉब की। वहाँ से रिज़ाइन करके मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चला गया और पोस्टिंग थी मेरी इम्फाल मणिपुर। उन्होंने 2 साल का कार्यकाल मैंने वहाँ पूरा किया। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र होके चंडीगढ़ दोबारा आया। फिर लगभग डेढ़ महीने के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके हिमाचल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।